फ़न व सकाफत पर मबनी तकरीबात जहाँ सेहतमंदाना तफरी का ज़रिया है वहाँ किसी भी कौम और खित्ते की पहचान है। जनूबी पंजाब खूबसूरत सकाफती रंगों की धरती है। मुल्तान आर्ट्स कौंसिल कई दहाइयों से अदब व सकाफत की आबियारी कर रहा है। इस हवाले से आर्ट्स कौंसिल में बच्चों की तख्लीकी सलाहियतों को सामने लाने के लिए मुसवरी के मुकाबले करवाए गए। मुसवरी के मुकाबलों में तुलबा व तलबात की कसीर तादाद में शिरकत इस बात का सबूत है कि ये धरती फनकार पैदा करने में खासी जरखेज़ है। इस हवाले से तालबात का कहना था कि ये हमारे लिए यूथ के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं ताकि हमें और ग्रो कर सकें, और ये जो हमारे लिए पंजाब ने करवाया पंजाब टैलेंट हंट में ये होता है, और ये हमें काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करने के लिए और हमें जाहिदा जमील ने दूसरी और खतीजा बेग ने तीसरी पोजीशन हासिल की। 15 साल से कम उम्र बच्चों के मुकाबलों की कैटेगरी में एहसन करीम पहले नंबर पर रहे जबकि नबीहा अली दूसरे और नूरुल अमीन जहरा तीसरे नंबर पर रहीं। इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए डायरेक्टर मुल्तान आर्ट्स कौंसिल सलीम कैसर का कहना था कि मुल्तान आर्ट्स कौंसिल फ़नून लतीफ़ा के दीगर प्रोग्रामों का इनेकाद करती रहती है। इसी सिलसिले में हमने जो हमारा मुसवरी या फाइन आर्ट का जो शोबा है अब हमने इसको भी मुतहर्रिक कर दिया है। सकाफत और तहजीब हमारे लिए काबिले कदर सरमाया है। मुसवरी के जरिए जज्बात व एहसासात की बेहतरीन तर्जमानी की जा सकती है। मुल्तान आर्ट कौंसिल के ज़ेरे एहतमाम कायद के पाकिस्तान के हवाले से तुलबा और तलबात में मुसवरी के मुकाबले करवाए गए। कैमरामैन इमरान मुगल के साथ तनवीर राजपूत, एमरा न्यूज़ मुल्तान।